नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैशन और आज मैं बताने लगा हूँ। मेरे हाथ में एक खेरा जी की किताब लगी है जिसका एक कहानी थी, उस कहानी का नाम था तेरी जीत। तो उस कहानी में उन्होंने यही बताया था कि यार एक गांव होता है, उस गांव में क्या होता है कि भगवान अनाउंसमेंट करता है कि भाई यहाँ पे तूफान आने वाला है, हर्ड आने वाला है, तो आप लोग सभी किसी ऊँची जगह पर चल जाओ, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप लोग मर सकते हो। तो पूरा गांव जो था वो पूरा गांव चला गया, एक हाइट पे कोई पहाड़ था वहाँ पे चला गया। लेकिन वहीं पे एक बंदा था जो भगवान को बहुत मानता था, वो कहता कि मेरी रक्षा भगवान ही करेंगे, क्योंकि वो बहुत भगवान की पूजा करता था, भगवान में बहुत ज़्यादा उसको विश्वास था। तो उसको समझाने के लिए उस गाँव का सरपंच आ गया, उस गाँव का एक चौकीदार आया, उस गाँव का जो एक प्रधान था वो आया, सब आए वहाँ पर उसको समझाने के लिए कि भैया तू भी चल वहाँ पर यार। वहाँ पर जब अनाउंसमेंट कर दी थी ये कि जहाँ पे बारिश उसकी वजह से तूफान आएगा, सभी गांव बह जाएगा, तो तू क्यों नहीं चल रहा साथ? तो वो भी माना नहीं, उसने बोला कि नहीं मैं, मेरे को तो मेरा भगवान बचाएगा, तुम लोगों को जाना तो तुम लोग जाओ। फिर क्या होता है, तूफान आता है, बहुत बारिश होती है और पूरा गांव तहस नहस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है पूरा गाँव की तहस नहस से सारा हुआ था, और उसी बंदा जो पर्टिकुलर एक बंदा होता है उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी जब मौत हो जाती है फिर वो जाता है भगवान के पास, और भगवान को बहुत शिकायत करता है कि भगवान की जब सब कुछ मैं तेरे को इतना मानता था, मैंने तेरी इतनी मदद की, हमेशा पूजा पाठ की, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जैसे मैंने तेरे पहले तुम्हारी पूजा की, फिर उसके बाद मैंने अपना काम किया, फिर सिर्फ मैं ही मरा हूँ, बाकी गाँव बच गया। तो भगवान ने उसको बोला यार मैं तो तेरी हेल्प करने आया था। तो उसने बोला नहीं आप नहीं आए थे। उसने बोला क्यों? वो जो चौकीदार था मैं उसके रूप में आया, वो जो प्रधान था मैं उसके रूप में आया, सरपंच के रूप में आया, लेकिन तूने अपनी रक्षा खुद नहीं की। तू तो मान चुका था कि मेरे को भगवान है, कब मैं ही आया था उसके रूप में, तूने पहचाना नहीं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इस कहानी से आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप आज जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की, तो गवर्नमेंट अपने अपने एक्शन ले दिया है, वो जो कर सकती है उसने करना शुरू कर दिया है। उसने देखो लॉकडाउन किया, लॉकडाउन को लोग नहीं माने तो उसकी वजह से कर्फ्यू इम्पोज हो गया, तो कर्फ्यू लग गया, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे, जो इसको इस जो बीमारी है इस बीमारी की प्रायरिटी को नहीं समझ रहे। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि प्लीज़ इस बीमारी की सिचुएशन को समझो और अपने घरों में रहो, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए उनको फॉलो करो, अपने घर में रहो, खुद सेफ रहो, अपनी फैमिली को सेफ रखो और अपने पूरे देश को सेफ रखो, क्योंकि आप लोगों ही सेफ रहेंगे तो ही सभी सेफ रह पाएंगे। तो हमें इस जंग को सब में इकट्ठे मिलके इस बीमारी को हराना है, इसको ऐसे ही हराया जा सकता है। अपने घरों में रहो, सरकार ने 31 मार्च तक आया तो 31 मार्च तक घरों में रहो, अगर वो और आगे एक्सटेंड करते तो आगे तक कोई एक्सटेंड करो, बस अपने घरों में रहो ताकि बीमारी पूरी पकड़ में आ जाए। धन्यवाद।